ओके, तो आज हम पढ़ते हैं एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करना सीख चुके हैं। आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है ना? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है? कि डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 36। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 36। तो इसका डिवीजन मेथड से हम कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे, देखो। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसमें जो दो डिजिट है, कौन कौन से डिजिट है हमारे पास में, एक 20 है और एक 36 है, ठीक है? तो इसमें जो ग्रेटर डिजिट है उसको हम डिवाइड के अंदर लिख लेंगे और जो स्मॉलर डिजिट है उसको डिवाइड के बाहर लिख देंगे, ठीक है? मतलब जो बड़ी डिजिट है वो तो डिवाइडेंड हो जाएगा और जो छोटी डिजिट है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है? अब हमें इसका डिवाइड करना है, ठीक है? तो 20 है तो 20 की टेबल हमें आनी चाहिए। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 एंड सो ऑन। अब देखिए, 20 की टेबल में 36 आता है क्या? 20 की टेबल में 36 आता है क्या, बताओ? नहीं आता। 20 के बाद डायरेक्ट क्या आता है? 40 आता है, है ना? 36 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटी डिजिट लेंगे, ठीक है? अगर 36 नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, छोटी डिजिट लेते हैं। तो 36 नहीं आ रहा, 36 से छोटी डिजिट यहाँ पर क्या है, 20 ही है खुद, ठीक है? तो हमने यहाँ लिख लिया 20 और कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1, ठीक है? अब इसके बाद में यहाँ क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 6 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है? इतना डिवाइड आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इसके आगे ही हमें एक और डिवाइड क्रिएट कर देना है, ठीक है? जो रिमाइंडर है उसके आगे ही हमें एक और डिवाइड बना देना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा पहले डिवाइजर था, मतलब पहले डिवाइजर क्या था, 20 था, तो 20 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ आ गया 20 और डिवाइजर तो अपना भी 16 बन चुका है क्योंकि इसके आगे हमने डिवाइड बनाया है, ठीक है? अब 16 से 20 का डिवाइड करना है अपने को, तो 16 की टेबल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है? तो क्या 16 की टेबल में 20 आ रहा है क्या, 16 की टेबल में 20 आ रहा है? नहीं आ रहा, 16 के बाद डायरेक्ट 32 आ रहा है और 32 तो क्या है, बड़ा है ना? तो 20 नहीं आ रहा तो 20 से छोटी डिजिट लेनी पड़ेगी और छोटी डिजिट क्या है, 16 खुद है, ठीक है? तो 16 1 जा 16, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 16 लिख दिया। अब माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, 0 इससे कैरी ले लेगा, सो 10 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, ठीक है? अगेन यहाँ पर क्या बच गया, रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है? रिमाइंडर जो भी बचा है उसके आगे वापस से डिवाइड क्रिएट कर दो, तो यहाँ पर हमने वापस से एक डिवाइड बना दिया, ठीक है? अब यहाँ पर तो 4 है, अब यहाँ क्या आएगा, जस्ट इससे पहले वाला डिवाइजर, ठीक है? देखो यहाँ किया था तो इससे पहले वाला डिवाइजर 20 था, अब हम यहाँ कर रहे हैं तो इससे पहले वाला डिवाइजर क्या है, 16 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 16, ठीक है? अब अपने को 4 का 16 से डिवाइड करना है, तो मुझे ये बताइए कि 4 की टेबल में 16 आता है क्या, 4 की टेबल में 16 आता है क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आता है ना 16, 4 की टेबल में 16 आता है और कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, ठीक है? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया तो बच गया 0, ठीक है? जब तक 0 नहीं आता अपना जो डिवाइड है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसके आगे फिर नया डिवाइड बन जाएगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसके आगे नया डिवाइड बन जाएगा।
जब तक जीरो नहीं आता तब तक अपने को ये जो डिवाइड है उसको रिपीट करते रहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिवाइड जीरो आ गया, सॉरी जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। ठीक है, जीरो कब आया, जब डिवाइजर क्या था, जब डिवाइजर क्या था, फोर था, है ना। जब हमने फोर से डिवाइड किया तभी तो जीरो आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फोर है वो क्या हो गया, इस 20 और 36 का क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, लास्ट में हमारा जो भी डिवाइजर आएगा जिसकी वजह से जीरो आ चुका है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप सबको? ठीक है, इसी टाइप से आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 20। ठीक है, तो 15 और 20 का HCF फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि इसमें जो बड़ी डिजिट होती है वो डिवाइडेंड बन जाती है और जो छोटी डिजिट होती है वो डिवाइजर बन जाती है। ठीक है, तो 20 बड़ी थी इसलिए उसको अंदर लिख लिया डिवाइड के, और जो 15 है उसको बाहर डिवाइजर की प्लेस पे लिख दिया। अब अपन इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 15 की टेबल, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अपने को ये चेक करना है क्या 15 की टेबल में 20 आता है, क्या 15 की टेबल में 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो 20 से छोटे डिजिट लेनी पड़ेगी और छोटे डिजिट क्या है, खुद 15 ही है ना। तो यहाँ लिख दिया 15, और ये जो 15 है वो कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसका इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 5। ठीक है, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बचते ही अपने को क्या करना है, उसके आगे नया डिवाइड बना देना है। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया, अब इसके आगे अपन नया डिवाइड बना लेते हैं। ठीक है, नया डिवाइड बनाया तो अंदर कौन सी डिजिट आएगी, जस्ट इससे पहले वाला डिवाइजर। ठीक है ना, तो इससे पहले का डिवाइजर क्या था, 15 था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 15। ठीक है, अब 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है ना, यस आता है, और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 3। अब यहाँ जो रिमाइंडर है वो क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 कब बचा, जब डिवाइजर क्या था, 5 था, जब डिवाइजर क्या था, 5 था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 और 20 का जो HCF है वो क्या हो गया हमारे पास में, 5। ओके, यस, नाउ अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो 3 डिजिट के बेस पर है, फाइंड द HCF ऑफ 6, 8 और 12। ठीक है, तो जो HCF है डिवाइड होगा तो वो किसी 2 डिजिट के बेस पर ही होगा, है ना। तो पहले अपन कोई भी 2 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज हमने पहले ले लिया 6 और 8। ठीक है, पहले अपन ने 6 और 8 लिया है, तो जो इसमें से बड़ी डिजिट है मतलब 8 वो डिवाइड के अंदर आ जाएगी और जो छोटी डिजिट है 6 वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, 6 की टेबल में 8 आता है क्या, बताओ, 6 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है, 6 खुद ही आता है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है, फिर 8 में से 6 माइनस किया तो यहाँ बच गया 2। ठीक है, मतलब रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके आगे एक नया डिवाइड बना देना है। ठीक है, और अंदर यहाँ कौन सी डिजिट आएगी, इससे पहले वाला जो डिवाइजर होगा वो आएगा, इससे पहले वाला डिवाइजर हमारे पास में क्या है, 6 है। ठीक है, तो 2, अब देखिए 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है क्या, यस आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, सो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां तक जो डिवाइड हमारा हुआ, यहाँ 0 आ गया, और 0 कब आया, जब डिवाइजर क्या था, 2 था, किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 2 से डिवाइड किया तभी तो 0 आया। ठीक है, तो अभी तक का जो अपने पास में HCF है वो क्या निकला है, 2। अभी तक जो 2 डिजिट का हमने डिवाइड किया, HCF फाइंड किया, तो वो तो निकला है 2। ठीक है, बट अपने को पता है कि अपने पास एक डिजिट और रहती है, अभी रहती है ना, अभी एक और डिजिट अपने पास में रहती है, तो अपन क्या करेंगे, जो 3rd डिजिट हमारी रहती है मतलब 12, इसका डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा HCF निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसका डिवाइड हम इससे लगाएंगे,
तो टू यहाँ पर रख दिया। अब मुझे ये बताओ, टू की टेबल में 12 आता है, टू की टेबल में 12 आता है ना, कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आता है। ओके, सो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 क्या क्या किससे हमने डिवाइड किया? ऐसा क्या डिवाइजर था जो 0 आया यहाँ पर? क्या डिवाइजर था? 2 था। तो इसका मतलब जो 6, 8 और 12 है, इन तीनों का ही HCF क्या हो गया हमारे पास में? 2 हो गया। ठीक है,